दोस्तों, प्राचीन भारत में विषकन्या घातक और सुंदर हत्यारी हुआ करती थी। इनका काम व्यापक हिंसा के बिना राजाओं के बीच संघर्ष को खत्म करना होता था। विषकन्या बनाने के लिए एक खूबसूरत लड़की को चुना जाता था और फिर उसे जहर की एक छोटी खुराक खिला दी जाती थी, और जब वह इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता बना लेती थी, फिर उसे प्रतिद्वंदी राजा के करीब जाने के लिए दुश्मन के शिविर में भेज दिया जाता था। विषकन्या शिविर में जाकर राजा को खिलाती पिलाती थी और उसके साथ एक ही बर्तन में खाती थी। इससे राजा को शक भी नहीं होता था और जहर भी काम कर जाता था, और विषकन्या के साथ साथ राजा की भी मौत हो जाती थी। हिंदी साहित्य के अनुसार कुछ विषकन्याओं को जहर पिलाकर राजा के शिविर में भेज दिया जाता था। वह शिविर में जाकर राजा के साथ यौन संबंध बनाती थी। यौन संपर्क के माध्यम से भी प्रतिद्वंदी राजा को संक्रमित किया जाता था। दोस्तों, कुछ विषकन्याएं तो इतनी खतरनाक थीं कि जहरीले सांप को अपने शरीर में छुपाकर राजा के शिविर में ले जाती थीं और फिर उसे यौन संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करती थीं, और वह जब उत्तेजित हो जाता था और बिस्तर में चला जाता था, तब उसे चुपके से जहरीले सांप से कटवा देती थीं। इससे वह संक्रमित हो जाता था। प्राचीन भारत में ये वो तीन तरीके थे जिससे विषकन्याओं के द्वारा प्रतिद्वंदी राजा को संक्रमित किया जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।